नमस्कार इंडिया टाइम्स का स्वागत है। भिखिने जालौन कालपी कालपी कॉलेज के सामने नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा कूड़ा का डंपर लगाए जाने पर मोहल्ले वासियों को लोगों में फूटा गुस्सा। जहां एक तरफ सुबह की योगी सरकार व केंद्र की मोदी सरकार स्वच्छ भारत मिशन के लाखों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं एक तरफ कालपी नगर पालिका के कर्मचारी योजनाओं पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। ज्ञात हो कि टनगंज कालपी कॉलेज के सामने कूड़े के ढेर लगा देते हैं नगर पालिका के कर्मचारी, जिससे मोहल्ले वासियों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। जानवर इतनी गंदगी फैला देते हैं, बरसात में गंदगी दूर दूर तक फैल जाती है, मोहल्ले वालों को रहना मुश्किल हो जाता है, जिसकी शिकायत उप जिला अधिकारी भैरपाल से की गई। मौके पर समस्त मोहल्ले वासी मौजूद रहे। आप किस मोहल्ले के निवासी? कॉलेज के सामने तो ये आपके घर के पास का ही मामला है जी सर। ये बताइए, यहाँ पे जो समस्या आ रही है गंदगी से संबंधित, पूरा क्या मामला है? अरे ये मामला कई वर्षों से चला आ रहा है, मना करने पर लिखे और मौके दे चुके हैं, नगर पालिका को कह भी चुके हैं, और यहाँ पे कूड़ा डालने वाले जो भी लोग आते हैं उन लोगों से भी मना कर चुके हैं। लड़ने पे उतारू हो जाते हैं मना करने पर। कौन लोग डालते हैं? मोहल्ले के लोग ही डालते हैं? मोहल्ले के कुछ लोग भी डालते हैं, जब सब कूड़ा पड़ता है तो वो भी लोग डाल देते हैं, और कई दिनों से यहाँ पे इकट्ठा है, नालियों का भी कूड़ा डाल देते हैं, जिससे नगर पालिका कर्मचारी इससे सारे लोग बीमार हो रहे हैं, घर के लोग भी बीमार हो रहे हैं, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, नालियों भी दिक्कत। आप लोगों को जो है दुर्गंध का सामना भी करना पड़ता होगा? अरे बड़ी दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है, बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है।